गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नहीं पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। बच्चों कोविड पेंडेमिक चल रहा है, बहुत ही विकट परिस्थिति है, क्रूशियल कंडीशन है, हर तरफ से नेगेटिव खबरें आ रही हैं, नेगेटिव न्यूज आ रही है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम यूथ हैं और हम बहुत कुछ कमाल का कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया को हिला दे। बिकॉज वी हैव टू मच एनर्जी, क्योंकि हमें बहुत सारी एनर्जी है ना। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? आप कहेंगे कि मैम हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें? आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, समय का सदुपयोग कीजिए, समय को वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है? थोड़ा सा कठिन समय आया है, निकल जाएगा, वी शैल पास, ये भी निकल जाएगा। आप अपने घर पे बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, सबको प्रेरित कीजिए कि सब अपने घर में रहें, जैसे ही किसी को फीवर हो जल्दी से जो अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, अपने घर का इलाज नहीं लें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और आप सब घर पर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, ध्यान रखें उनका। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक बच्चा होता है छोटा सा, और बच्चे तो आपको पता ही है शरारती होते हैं, नॉटी है ना, उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पढ़ाई अच्छी भी किसको लगती है ना, लेकिन पढ़ाई से बहुत कुछ हो सकता है, हमारा दिमाग शार्प होता है उसे पढ़ने से। जिस तरह से एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी जो है स्ट्रांग बनती है ना, उसी तरह से स्टडी करने से हमारा माइंड स्ट्रांग होता है। लेकिन बच्चा है, छोटा है, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, उसे रोज रोज क्लास में डांट पड़ती है। अब एक दिन टीचर उसको थोड़ा ज्यादा डांट देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पढ़ के नहीं आओगे तो ठीक नहीं होगा, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो बच्चा कहता है कि क्या करूं, नॉटी होता है, दिमाग उसका शरारती है थोड़ा सा, और नेक्स्ट डे जाता है स्कूल में, वो कहता है कि आज मैं टीचर की क्लास लूंगा, देखते हैं मैं उनसे कुछ एक सवाल पूछूंगा। वो क्या करता है कि अपने हाथ में एक बटरफ्लाई को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, बटरफ्लाई को पकड़ता है अपने हाथ में और उसे एक मुट्ठी बनाकर उसे बंद कर लेता है। एंड गो टू हिज टीचर, अपने टीचर के पास जाता है वो और कहता है, आप बताइए मेरी मुट्ठी में बंद जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, क्या वो जिंदा है या मरी हुई है? अब क्योंकि वो शरारती है तो वो अपने दिमाग में ऑलरेडी तय करके आया हुआ है कि अगर टीचर कहेंगे जिंदा है तो वो उसे अपनी मुट्ठी में ही क्रश कर देगा, कुचल देगा और उसे मरा हुआ दिखा देगा, और अगर टीचर कहेंगे कि मरी हुई है तो वो उसे मुट्ठी खोलकर उड़ा देगा। पर भाई उसके टीचर तो टीचर ठहरे ना, गुरु है वो उसके, तो उन्होंने उससे क्या कहा, बड़े पते की बात कही, कहा कि एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो इसे मार दो, तुम चाहो तो इसे जिंदा रखो, अब करना तुम्हें है जो तुम चाहो। तो बच्चों यहाँ भी यही स्थिति है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, जो आप चाहें आप वो कर सकते हैं। एक इस विकट परिस्थिति को, आपदा को अवसर बना सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं जहाँ पे आप वीक हैं और आप उसे स्ट्रोंग बना सकते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है इस टाइम, आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है, आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने टीचर्स से कॉन्टेक्ट घर बैठे कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और टीचर्स आपको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। अगर आपका किसी म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप गिटार सीख सकते हैं, हारमोनियम सीख सकते हैं, सब कुछ अब आपके आसपास है, आपके घर में है या नहीं? बात आपके करने की है, आप करते क्या हैं? हर कदम पर आपको दो रास्ते मिलते हैं बच्चों, टू रोड्स है ना, आपको एक रोड चूज करनी है, एक रास्ता चुनना है आपको। दूरदृष्टिता से, समझदारी से निर्णय लीजिए, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है, इस समय को यूज करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, आप चाहें तो अपना समय फुली वेस्ट करें और आप चाहें तो इसे यूज कर यू कैन बिकम योर लाइफ सक्सेसफुल, आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कुछ समझ में आया बच्चों?